बेटा जब जहाज टूटता है तो वो दोबारा जुड़ नहीं सकता ना, इसी तरह जब दिल टूटता है ना तो वो दोबारा नहीं जुड़ता। आपके बाबा वर्ल्ड बेस्ट फादर है, लेकिन अब मैं उनके साथ नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? तारा आंटी की वजह से। हाँ, मैं बाबा को बोलूंगा तारा आंटी को निकाल दें। नहीं मानेगी। अरे तुम यहाँ क्यों आ गई भरी दोपहर में? चलो अंदर, फराज आ रहा है। बाबा आए हैं। देखा कितना खुश हो रहा है। अब सुन गई बात? तैयार हो चल के। चले ना मम्मा। आ जाएगी ये। चलो हम दोनों चलते हैं। आ जाओ, शाबाश, आ जाओ जल्दी से। चलो उठो, हुलिया दुरुस्त करो अपना। इसीलिए सब कुछ हुआ है। बताओ तुम्हारी ज्वेलरी कहाँ है? कुछ पहनो। कहाँ है ज्वेलरी? बैग में पड़ी है। इस बैग में? इसमें? किधर? इसमें जिपर में है? ऊपर ही है। ये लो पहनो। ओ बहन, वो आ गया। देखो बेटा, मेरी बात सुन। देखो मेरी जान, औरत की आफियत इसी में है कि वो अपने शोहर के घर में रहे, समझी? अब वो आ तो गया तुम्हें मनाने के लिए, इतना तो ख्याल किया है ना उसने तुम्हारा। जाओ, तमीज से उससे माफी मांगो और अपने घर वापस जाओ, समझी? चल जल्दी आना। ओके। चलो सामान ले अपना जाके। शिरोज कहाँ है? बाबा ठीक हो? चलो बेटा घर चले। तारा आंटी तो नहीं है ना वहाँ? तारा आंटी हमारे घर में तो नहीं रहती बेटा। वो आएंगी तो नहीं ना? आपको प्रॉब्लम है उनसे कोई? वो मुझे अच्छी नहीं लगती। बेटा ये बात आपसे किसने कहा कहने को? मामा ने। चलो बेटा आप जाओ, सबको खुदा हाफिज़ किया। हाँ मेरे बच्चे को पॉइजन कर रही हो? कैसी बातें उसके दिमाग में डाल रही हो तुम? ये मैंने नहीं, ये बातें उसने मुझे बताई हैं। बुलाऊं उसे अभी, पूछो उससे। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। आइंदा तुम्हें ऐसी बात की ना उसके साथ, तुम्हें ले जाऊंगा उसका यहां से और तुम्हें शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। तो तुम तो चाहते ही यही हो। चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। देखा आंटी आपने कितनी बदतमीज हो गई है। और तुम भी तो बदतमीज हो, पता नहीं किस गैर औरत को घर में लाके बिठाया हुआ है। शेरोज बेटा, बेटा इधर आना, देखना तुम्हारी माँ की जुबान कितनी लंबी है। शेरोज को आप प्लीज हमारे बीच मत बात करें। वाह, मेरे घर में खड़े होके आप लोग ये तमाशा कर रहे हो, इतना ऊंचा बोल रहे हैं। मेरी बेटी तुम लोग की बातें सुने, तुम लोग का बेटा ना सुने। बन के रहना हम नवा।